हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल तो इस वीडियो में हम लोग स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सारी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं एफ वन ग्रांड प्रिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जो भी हुई हैं तो उन सारी ग्रैंड प्रिक्स को देख लेते हैं तो ग्रैंड प्रिक्स दोस्तों इसको देखने से पहले आप लोग को ये चार ग्रैंड प्रिक्स ध्यान रखनी है कौन सी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स और सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स तो इन चारों ग्रैंड प्रिक्स को आप लोग ध्यान रखिए बाकी अपने आप लर्न हो जाएगी क्योंकि बाकी ग्रैंड प्रिक्स केवल एक पर्सन है जिसने जीती है वो है मैक्स वर्समन तो इन चारों को आप लोग को ध्यान रखना है कौन सी है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ग्रांड पिक्स जिसने जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने और ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स इसको भी जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने ब्रिटिश ग्रांड पिक्स इसको जीता कार्लो सैन जूनियर ने और सिंगापुर ग्रैंड पिक्स इसको जीता सर्जियो पेरेज ने तो ये चारों ग्रैंड पिक्स आप लोग याद रखिएगा इसके अलावा दोस्तों सऊदी अरेबियन ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्सपन मियामी ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्सपन स्पेनिश ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्सपन अजरबेजान ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्सपन कैनेडियन ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्सपन फ्रेंच डच इटालियन यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिकन ग्रैंड पिक्स तो ये सारी ग्रैंड पिक्स मैक्स वर्सपन ने जीती है तो ये आप लोग को ध्यान रखना है इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 में जनवरी से लेकर सितंबर तक जो भी अवार्ड दिए गए हैं मंथ में तो उन सारे अवार्ड को डिस्कस कर लेते हैं तो जनवरी मंथ में मैन में मैन कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया था कीगान पीटरसन को कीगान पीटरसन को जनवरी आई प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं दोस्तों और वुमेन कैटेगरी में हीदर नाइट जो कि इंग्लैंड की प्लेयर हैं फरवरी मंथ के लिए मैन में चुना गया था श्रेयस अय्यर को और वुमेन में चुना गया था अमीलिया कर जो कि न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं इसके अलावा मार्च में तो मार्च में मैन कैटेगरी में, में बाबर आज़म को चुना गया था पाकिस्तान के प्लेयर हैं और वुमेन कैटेगरी में रैचिल हैंस को चुना गया था जो कि ऑस्ट्रेलिया की है इसके अलावा अप्रैल का आईसीसी प्लेयर ऑफ़ द मंथ ये दिया गया था केशव महाराज को मेन कैटेगरी में और वुमेन में एलिसा हेली को जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं इसके अलावा मई में प्लेयर ऑफ़ द मंथ तो मई का प्लेयर ऑफ़ द मंथ गया था मैन में एंजेलो मैथ्यूज़ जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं और वुमेन में गया था तूबा हसन को जो कि पाकिस्तान की हैं इसके अलावा जून का आईसीसी प्लेयर ऑफ़ द मंथ तो जून का गया था मैन में जॉनी बैरेस्टो को जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं और वुमेन में मरियजना कैप को जो कि साउथ अफ्रीका की, की हैं इसके अलावा जुलाई में ये दिया गया था मैन में प्रभत जयसूर्या को जो कि श्रीलंका के हैं और वुमेन में इम्मा लाम्ब जो कि इंग्लैंड की प्लेयर हैं इसके अलावा अगस्त में जो दिया गया था वो दिया गया था सिकंदर रजा को मैन में और वुमेन में दिया गया था ताहिला मैक को जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं इसके अलावा सेप्टेम्बर में सितंबर में दिया गया मैन का मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं और वुमेन में दिया गया था हरमनप्रीत कौर को जो कि इंडिया की प्लेयर है तो ये सारे जो अवार्ड हैं ये आई प्लेयर ऑफ द मंथ ट्वेंटी में दिए गए थे जनवरी से सेप्टेम्बर तक के ये अवार्ड हैं तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों ठीक है इसके अलावा दोस्तों आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं तो क्वेश्चन है मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट इसको जीता है विक्टर एक्सलसन ने तो सिंगल वन लाइनर आप लोग ध्यान रखिएगा मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ट्वेंटी ट्वेंटी टू कमैन सिंगल किसने जीता है तो ये जीता है विक्टर एक्सलसन ने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेडल इंडिया वन इन द एशियन अंडर ट्वेंटी रेसलिंग चैम्पियनशिप तो इसमें इंडिया ने टोटल ट्वेंटी टू मेडल जीते हैं कितने दोस्तों ट्वेंटी टू मेडल जीते हैं तो देख लेते हैं क्या है इंडिया बैग ट्वेंटी टू मेडल्स इन एशियन अंडर ट्वेंटी रेसलिंग चैंपियनशिप इन मनामा बहरीन तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है ये हुई कहाँ पर थी तो एशियन अंडर ट्वेंटी रेसलिंग चैंपियनशिप ये हुई थी मनामा बहरीन में और इसमें जो हमारे भारतीयों ने जीता है तो वो चार गोल्ड मेडल हैं नौ सिल्वर हैं और नौ ब्रॉन्ज मेडल हैं तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप एट द एज ऑफ नाइन्टी फोर तो नाइन्टी फोर की उम्र में किसने गोल्ड मेडल जीता है मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तो भगवानी देवी इनकी उम्र नाइन्टी फोर ईयर है और इन्होंने सौ मीटर की स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता है तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा तो इनके बारे में देख लेते हैं कि द नाइनटी फोर ईयर ओल्ड भगवानी देवी डोगर वन अ गोल्ड मेडल एंड टू ब्रॉन्ज फॉर इंडिया एट द वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ये हेल्ड हुई थी कहाँ पर तमपेरे फिनलैंड में कब टेंथ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में कि कहाँ पर हुई थी तो ये हुई थी तमपेरे फिनलैंड में और नाइन्टी फोर की उम्र में जो भगवानी देवी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ये सौ मीटर की स्प्रिंट में इन्होंने जीता था तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एस ए एफ एफ मीन्स साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर ट्वेंटी चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी टू का विनर कौन है तो अंडर ट्वेंटी चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी टू का विनर है इंडिया तो इंडिया ने बांग्लादेश को डिफीट करा था तो इंग्लैंड ने बांग्लादेश को डिफीट करके ये दो हज़ार बाईस का एस ए एफ एफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर ट्वेंटी का चैंपियनशिप टाइटल हासिल किया कहाँ पर हुई थी ये तो ये इंडिया इसको इस बार इंडिया ने होस्ट करा था और ये जो हुई थी ये हुई थी भुवनेश्वर उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में ये हुई थी और जो इसके कैप्टन थे अंडर ट्वेंटी में तो इसके कैप्टन कौन थे शिवजीत सिंह लेम पोकपम शिवजीत सिंह लेम पोकपम तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा इसके कैप्टन थे और सोम कुपा सोम कुमार जो थे वो गोलकीपर थे तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा टॉप अवार्डी की बात करें तो टॉप स्कोरर रहे हैं भारत की तरफ से गुरकीरत सिंह ठीक है दोस्तों टूर्नामेंट की बात करें पूरे टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर हैं गुरकीरत सिंह और बेस्ट प्लेयर भी गुरकीरत सिंह को ही दिया गया है और बेस्ट गोलकीपर का जो अवार्ड है वो दिया गया सोम कुमार को तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा एस ए एफ एफ अंडर ट्वेंटी चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी अपने भारत में हुई थी भुवनेश्वर उड़ीसा में किसको डिफीट करा था भारत ने तो बांग्लादेश को हराया था और ये टाइटल हासिल किया था शिवाजीत सिंह लेम पॉप कम इस टीम के कैप्टन थे और सोम कुमार गोलकीपर थे टॉप स्कोरर रहे थे गुरकीरत सिंह जिन्होंने आठ गोल करे थे तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा फिर इसके बाद आते हैं सेवेंटी फिफ्थ संतोष ट्रॉफी तो ये भी दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड है संतोष ट्रॉफी और ये जो टाइटल है ये किसने जीता है सेवेंटी फिफ्थ संतोष ट्रॉफी का तो ये केरला ने जीता है केरला ने दोस्तों वेस्ट बंगाल को हरा कर ये टाइटल अपने नाम किया है और ये जो हुई थी ये प्रतियोगिता हुई थी मल्लपुरम स्टेडियम केरला में ठीक है दोस्तों मंजेरी स्टेडियम इन मल्लपुरम केरला ठीक है दोस्तों मंजेरी स्टेडियम में हुई थी मल्लपुरम केरला में ये स्टेडियम है तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा किसने जीती है केरला ने जीती किसको डिफीट किया वेस्ट बंगाल को डिफ़ीट किया था फिर इसके बाद डूरल्ड कप ट्वेंटी इसका विनर कौन है तो ये भी दोस्तों डूरल कप ये भी फुटबॉल से रिलेटेड है और इस बार ये टाइटल बेंगलुरु एफ ने जीता है और ये बेंगलुरु एफसी का फर्स्ट टाइटल है डूरल्ड कप का पहली बार ये बेंगलुरु एफसी ने इस टाइटल को जीता है तो बेंगलुरु एफसी इसके जो कैप्टन थे वो कौन थे सुनील छेत्री तो सुनील छेत्री लेट बेंगलुरु एफ सी बीट मुंबई सिटी एफ सी तो इसने मुंबई सिटी एफ सी को डिफीट करा था और अपना ये डोरेंट कप का पहला टाइटल जीता तो ये कहाँ पर हुई थी प्रतियोगिता ये तो ये हुई थी विवेकानंद युवा भारती किरांगन इन कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये डोरन कप की वन थर्टी फर्स्ट एडिशन हुआ था तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा ये कौन सा एडिशन था ट्वेंटी ट्वेंटी टू में तो ये वन थर्टी फर्स्ट एडिशन था डोरेंट कप का किसने जीता बेंगलुरु एफ सी ने अपना पहला टाइटल जीता है किसको हरा करके मुंबई सिटी एफ को हराया था फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यू ई एफ ए सुपर कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू का विनर कौन है तो ये भी दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड स्पोर्ट है तो इसको जीता है रियल मैड्रिड ने किसने रियल मैड्रिड ने किसको डिफीट कराया इंट्रैंक्ट फ्रैंकफर्ट को किसको इंट्रैंक्ट फ्रैंकफर्ट को डिफीट करके अपना ये टाइटल यू ई एफ ए सुपर कप ट्वेंटी ट्वेंटी टू जीता किसने रियल मैड्रिड ने तो ये जो हुई थी कहाँ पर हुई थी तो ये हुआ था हेलेंस की फिनलैंड में इसका आयोजन किया गया था इस प्रतियोगिता का इस कंपटीशन का तो इस बार ये जीता है किसने 2022 में रियल मैड्रिड ने किसको हराया इंट्रैंड फ्रैंकफोल्ट को 2-0 से फाइनल में हरा कर ये अपना कप अपने नाम किया फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एस ए एफ एफ अंडर सेवेंटीन चैंपियनशिप तो अभी हम लोगों ने अंडर ट्वेंटी पढ़ी थी अब यह है एस ए एफ एफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर सेवनटीन चैंपियनशिप तो इसको जीता है इंडिया ने इसको भी दोस्तों इंडिया ने जीता है ठीक है इंडिया ने किसको हराया नेपाल को हरा करके ये टाइटल अपने नाम किया है एस ए एफ एफ अंडर सेवनटीन चैंपियनशिप और ये कहाँ हुई थी तो ये कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ था ठीक है दोस्तों इसके अलावा एस ए एफ एफ अंडर सेवनटीन चैंपियनशिप वुमेन कैटेगरी में तो वुमेन में जीता है किसने बांग्लादेश ने बांग्लादेश ने नेपाल ने ने को ही हराया था और वो जो प्रतियोगिता हुई थी वुमेन वाली वो हुई थी नेपाल में तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा तो एस ए एफ एफ वुमेन अंडर सेवेंटीन तो उसको जीता था किसने बांग्लादेश ने किसको हराया था नेपाल को हराया था तो नेपाल को हराया था और बांग्लादेश उसमें जीता था और प्रतियोगिता जो हुई थी वो हुई थी नेपाल में हुई थी तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा इसके अलावा दोस्तों ए आई एफ एफ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तो ये अपना एक अवार्ड देती है जिसमें मेंस फुटबॉलर का अवार्ड इस साल जो दिया गया है वो दिया गया सुनील छेत्री को तो ये आप लोग सिंपल वन लाइनर याद रखिएगा कि ए आई एफ एफ मैन फुटबॉलर ऑफ़ द ईयर 2021 टू 2022 ये किसको दिया गया सुनील छेत्री को इसके अलावा ए आई एफ एफ़ वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ़ द ईयर का अवार्ड ये किसको दिया गया तो ये दिया गया मनीषा कल्याण को ये वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ़ द ईयर है ट्वेंटी ट्वेंटी में इसके अलावा ए आई एफ एफ के बारे में बात करें तो ये जो अवार्ड इसने देना स्टार्ट करा था वो देना स्टार्ट करता था नाइनटीन में और ए आई एफ एफ जो इसका स्थापना हुई थी ये हुई थी तेईस जून नाइनटीन थर्टी सेवन को और इसका हेडक्वाटर आपको मिलेगा द्वारका दिल्ली में तो ये अभी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड मेडल इन फोर्टी फोर्थ चेस ओलंपियाड इन ओपन इवेंट तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा फोर्टी फोर्थ चेस ओलंपियाड जो कि अपने स्टेट तमिलनाडु की स्टेट कैपिटल चेन्नई में इसका आयोजन किया था तो इसमें ओपन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है उज्बेकिस्तान की टीम ने तो उज्बेकिस्तान ने गोल्ड मेडल ये अपने नाम किया तो द फोर्टी फोर्थ चेस आल्सो नोन एज चेन्नई चेस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज्ड बाय फिडे तो फिडे के द्वारा इसका ऑर्गेनाइज uh, किया गया था कहाँ पर चेन्नई में तमिलनाडु की कैपिटल है जो और कब से कब तक हुआ था तो अट्ठाईस जुलाई नाइन अगस्त ट्वेंटी तक इसका आयोजन किया गया था फिडे की बात करें दोस्तों तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुजैन स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी बीस जुलाई नाइनटीन ट्वेंटी फोर को और प्रेसिडेंट हैं अरकाडी डारकोविच और वाइस प्रेसिडेंट हैं अपने माइंड मास्टर के बुक के लेखक विश्वनाथन आनंद तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा इसके अलावा ओपन इवेंट की बात करें तो इसमें फर्स्ट प्लेस पे तो बताई चुका हूँ उज्बेकिस्तान सेकंड प्लेस पे आर्मेनिया रहा था और थर्ड प्लेस पे अपना भारत रहा था वुमेन कैटेगरी में बात करें तो दो कैटेगरी थी एक ओपन कैटेगरी और दूसरी वुमेन कैटेगरी तो वुमेन कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस में यूक्रेन रहा था सेकेंड प्लेस सिल्वर मेडलिस्ट जॉर्जिया और थर्ड प्लेस ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इंडिया तो दोनों में थर्ड प्लेस इंडिया को मिला था ओपन इवेंट और वुमेन कैटेगरी में तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा गोल्ड मेडल इन 44 फोर चेस ओलंपियाड इन ओपन इवेंट किसने जीता उज्बेकिस्तान ने तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा ज़्या लाइक करें शेयर करें दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा ज़्या लोगों तक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो